हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र expertdemo.com पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं वो एक मिनी सिलाई मशीन है। इसको हम एक पोर्टेबल सिलाई मशीन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉक्स जैसे ही हम खोलेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं जिससे कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में अगर देखें तो 5 से 6 चीज़ें इस बॉक्स के अंदर हमें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इस तरह की एक मशीन आएगी जिसमें पहले से ही थ्रेड लगी होगी, सुई लगी होगी और रेडी होगी यूज़ करने के लिए। इसके अलावा देखें तो एक पावर अडप्टर आता है जो कि इस तरीके का दिखने वाला पावर अडप्टर आएगा। इसके अलावा एक पैडल स्विच भी आता है। इस पैडल अडप्टर को लगा के हम पैर की मदद से भी पैडल को प्रेस करके हम मशीन को चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एक्स्ट्रा सुई भी इसमें दी जाती है। वो एक्स्ट्रा सुई अगर हमारी जो पहले से इंस्टॉल सुई आ रही है, जो पहले से लगी हुई है मशीन में, वो टूट गई तो हम इसको दोबारा से लगा के और फिर से हम यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का जो टूल आता है ये धागे को सुई में पिरोने के लिए काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। बड़े आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं इन टूल्स की मदद से। तो ऐसे 2 टूल्स भी इसके साथ आते हैं। और इसके अलावा आपको इस तरह का एक बॉक्स भी इसमें आएगा, वाइट कलर का बॉक्स होगा जिसमें सारे थ्रेड्स जो होते हैं, धागे की जो गिट्टियाँ होती हैं, वो इसके अंदर दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस मशीन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन से पार्ट्स हैं और उनसे क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 सॉकेट्स दिए गए हैं जिसमें कि एक फुट पैडल का सॉकेट है और दूसरा जो है वो पावर केबल का सॉकेट है। तो यहाँ पे हमको पावर केबल लगानी है और फुट पैडल लगाना है और हम अपनी मशीन को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्विचेस भी दिए जाते हैं। पहला जो स्विच है उससे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें तेज़ चलाना है मशीन को या हमें थोड़ा धीरे चलाना है तो 2 स्पीड कंट्रोल दिए जाते हैं, इस स्विच की मदद से हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड स्विच है, जो बीच का स्विच है, उसकी मदद से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मशीन को चलाना शुरू कर सकते हैं। ऑन कर दिया फिर ऑफ कर दिया, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगले पार्ट की बात करें तो ये मेन डायल दिया गया है इसमें, मेन व्हील जिसको हम बोलते हैं। और ये मेन व्हील की खास बात यह है कि जब भी हम धागा डाल रहे हैं इसमें, सुई में धागा डाल रहे हैं या फिर हम मशीन में पूरा थ्रेडिंग कर रहे हैं या धागा अच्छे से डाल रहे हैं, तो ये डायल को हमें हमेशा अपनी डायरेक्शन में घुमाना है, आगे अपनी तरफ घुमाना है। ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो के डायरेक्शन में हमें इसे हमेशा घुमाना है। तो आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि मैं इसके पीछे से खड़े होकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसको आपको जब आप यूज़ करेंगे इसको तो आप इस तरीके से मशीन को रखेंगे अपनी डायरेक्शन में और फिर आप ऐसे उसको घुमाएंगे अपनी तरफ। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि डायल को जब भी आपको घुमाने की ज़रूरत पड़े, चाहे वो हमें अंदर से सुई में जब धागा डालना है अच्छे से और नीचे से धागे को ऊपर लेके आना है, तब हम इसको अपनी तरफ थोड़ा सा घुमा सकते हैं, या जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपनी ही तरफ इसको घुमाएंगे। उल्टी तरफ अगर हम इसको घुमाएंगे, बाहर साइड घुमाएंगे, तो धागा उलझने का डर होता है और मशीन ख़राब होने का भी डर होता है। इसके बाद अगली चीज़ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे बॉबिन रिफिल करने के लिए एक पोल दिया गया है जो कि ये व्हील से अटैच है। और जब भी हमारी जो मेन बॉबिन है ये ख़त्म हो जाती है या फिर जो अंदर है बॉबिन वो ख़त्म हो जाती है, उसका धागा ख़त्म हो जाता है, तो उसको रिफ़िल करने के लिए हम इस पोल का यूज़ कर सकते हैं। हमको सिंपल बॉबिन को यहाँ लगा देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है और मशीन को ऑन कर देना है। तो जब ये डायल घूमेगा इसके साथ साथ बॉबिन हमारी फिल हो जाएगी, धागा पूरी तरह से उसमें भर जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है कि मशीन में हमको पूरी तरह से धागा कैसे लगाना है, थ्रेड कैसे लगानी है मशीन में। तो उसके लिए 8 लूप दिए गए हैं, 8 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रख के हर पॉइंट से हमको धागे को डालना है ताकि मशीन अच्छी तरीके से चले और प्रॉपर स्टिचिंग करे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये बॉबिन, आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे बॉबिन लगा हुआ है, ये बॉबिन लगा है, धागा लगा हुआ है। इसके बाद एक सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इसके बाद ये थर्ड पॉइंट आ जाता है, इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट आ जाता है, फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा देखने वाला है कि ये जो है ऊपर, यहाँ से आपको धागे को क्रॉस करना है, इसके बाद धागा सीधे नीचे जाएगा, यहाँ से आपको निकालना है, इसके बाद फिर नीचे जाएगा, यहाँ से आपको निकालना है और फिर जा करके सुई में धागा पिरोया जाएगा। तो इस तरीके से ये 8 जो पॉइंट है, ये 8 पॉइंट में आपको ध्यान रखते हुए धागे को पिरोना है ताकि मशीन अच्छे से चले। इसमें नीचे जो है एक बैटरी कंपार्टमेंट दिया है जहाँ पे आपको डबल ए साइज़ के 4 बैटरीज लगते हैं और वो बैटरीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से, और ये बैटरी की मदद से भी मशीन को आप चला सकते हैं बड़े आसानी से।
तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं इस मशीन को यूज़ करके एक लाइव डेमो करके देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये मशीन स्टिच कर पाती है, सिलाई कर पाती है और इसकी जो सिलाई है वो कितनी परफेक्ट है। तो सबसे पहले तो इसको यूज़ करने के लिए हम रेडी कर लेते हैं जो दोनों अडेप्टर दिए हुए हैं। पावर अडेप्टर मैंने लगा के रखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्लग इन कर दिया और जो फुट पैडल्स को हमने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया। आगे की जो गिट्टी है वो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, छोटी वाली नहीं लगाई है। इसके बाद जो पूरा लूप है धागे का वो मैंने लगाया हुआ है। अब हम सुई में धागा डाल के देखते हैं। जो धागा डालने वाला जो हमको टूल दिया है उसकी मदद से हम धागा डाल के देखते हैं। कितना आसानी से सुई में धागा डाल दिया और अब हम इसको स्टिचिंग के लिए हमारी जो मशीन है वो तैयार हो चुकी है और हम जो भी कपड़ा हम स्टिच करना चाहते हैं वो कपड़ा हम जाके अब स्टिच कर सकते हैं। कपड़े को नीचे रखा और उसके बाद जो लीवर है इसका, जो फुट पैडल का लीवर है, उसको हमें नीचे करना है ताकि इस तरीके से फिक्स हो जाए यहाँ पे फैब्रिक हमारा, जो क्लोथ हमारा जो है वो फिक्स हो जाए। तो मैं पहले बटन की मदद से चला के देखता हूँ इसको किस तरीके से सिलाई होती है। इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे तो बटन की मदद से हमने स्टिच करी और प्रॉपर स्टिच इसमें हो गई है कपड़े में, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। दोनों तरफ हम देखें तो पीछे के साइड में भी बहुत अच्छी स्टिचिंग हुई है, कहीं से भी ऐसा खिंचाव नहीं लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट स्टिचिंग हो रही है। तो अभी मैंने बटन की द्वारा इसको यूज़ करके देखा, अब अगर फुट पैडल के द्वारा हमको यूज़ करना है तो हम वो भी देख सकते हैं। जस्ट हमने इसको लीवर को फिर से उठाया ताकि हम अपने कपड़े को फिर से व्यवस्थित कर पाएँ स्टिचिंग के लिए। इस तरीके से हमने कपड़े को रखा और फिर लीवर को मैंने दबा दिया है। अब हम तैयार हैं फुट पैडल की मदद से हम स्टिचिंग करने के लिए। तो अब हम फुट पैडल की मदद से स्टिचिंग करके देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने फुट पैडल की मदद से भी स्टिचिंग करके दिखाया आपको कि कितने अच्छी तरीके से जो इसमें दोनों तरफ स्टिचिंग हो रही है, कहीं से भी जो धागा है वो खिंचाव नहीं है, परफेक्ट स्टिचिंग हमको मिलती है। तो फ्रेंड्स अब हमने एक दूसरा काफ़ी थिक कपड़ा यूज़ कर लिया है और ये थिक कपड़े में हम देखते हैं कि सिलाई उतनी अच्छी तरीके से होती है जितनी हमने जो पहले जो हमने व्हाइट कलर का फैब्रिक यूज़ किया था, कपड़ा यूज़ किया था, उसमें हुई थी। तो ये दूसरे कपड़े में भी हम ट्राई करके देखते हैं। एंड अभी कपड़ा डार्क है तो हम लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं लाइट भी जला देता हूँ यहाँ पर। पैडल जैसे ही छोड़ा मशीन बंद हो गई, तो सेफ्टी फीचर भी काफ़ी अच्छा है इस मशीन में। और अब हमें अगर फैब्रिक को निकालना है, डिटैच करना है या फिर काट के बाहर करना है, स्टिचिंग हमारी हो चुकी है तो हमें सिंपल लीवर को हमने उठाया और अभी जैसे सुई आप देख रहे होंगे अगर, तो सुई काफ़ी नीचे है अभी, तो सुई को ऊपर लाने के बाद ही हम फैब्रिक को, जो कपड़ा है हमारा या धागा है, उसको हम काट सकते हैं निकालने के लिए। तो हमें फिर से ध्यान रखना है कि ये जो मेन डायल है, मेन जो ये डायल है, इसको हमें एरो की डायरेक्शन में ही घुमाना है, नीचे की डायरेक्शन में ही हमको इसको घुमा के सुई को ऊपर लेके आना है। तो इस तरीके से मैं सुई को घुमा के, जैसे ही सुई ऊपर आ जाएगी तब मैं ये फैब्रिक को इस तरीके से हल्का सा डायल को ऐसा घुमा के और धागे को लूज़ करके फैब्रिक को निकाल सकता हूँ। तो ऐसे करके हमने फैब्रिक को निकाल लिया और ये धागा जो है यहाँ पर लूज़ होकर आ गया, मशीन अपनी अच्छी कंडीशन में है। फिर हमने इसको नीचे लीवर को कर दिया और ये धागे को हम काट के निकाल सकते हैं। तो इसमें एक और फीचर दिया गया है, अगर हमें धागे को काटना है तो थ्रेड कटर भी यहाँ पर मशीन के अंदर ही इनबिल्ट दिया गया है। तो ये थ्रेड कटर की मदद से हम धागा ऐसे काट के निकाल सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है वो अलग हो जाता है। तो हमें ये प्रोसेस का ध्यान रखना है, अगर हम मिस हैंडलिंग करेंगे तो मशीन गड़बड़ हो सकती है, ख़राब हो सकती है इस तरीके से, और हम अच्छे से अच्छी जो सिलाई है वो इस मशीन की मदद से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मशीन में कई बार एक धागा अंदर फंस जाता है, बॉबिन में फंस जाता है और उसका जो गियर होता है उसमें धागा फंस जाता है, तो उसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब देखेंगे कि आसानी से हम कैसे क्लीन करें। तो सबसे पहले हमने बॉक्स को ओपन करके बॉबिन को बाहर निकाल लिया और जो भी धागा दिख रहा है हमें वो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम क्लीन कर लें अच्छे से। अगर वो क्लीन नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा है, तो हमें गियर को भी निकालना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक कलर का आप गियर देख रहे हैं इसको हमें निकालना पड़ेगा। निकालना बहुत ही सिंपल है, इस स्क्रू को हमें खोलना है अकेले, जो कि किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल सकते हैं। और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस स्क्रू को खोल के और इस गियर को धीरे से बाहर निकालेंगे और इसको पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करेंगे। जो भी फंसा हुआ थ्रेड होगा अंदर उसको हम निकाल देंगे। तो स्क्रू खुल गया है, अब हम ये जो ब्लैक गियर हमें दिख रहा है इसको हम निकाल लेंगे। तो ये जो वाइट लीवर है इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे अपनी तरफ को
और फिर गियर को बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमको पुश करना पड़ेगा, गियर बाहर निकल जाएगा। गियर निकलने के बाद जो भी फंसा हुआ धागा है अंदर, वो हम क्लीन कर सकते हैं। तो गियर हमारा पूरी तरह से साफ़ है, उसमें कोई धागा नहीं लगा है, लेकिन अंदर जो है वो धागा फंसा हुआ है, तो वो धागे को हम निकाल लेते हैं। जो भी फंसा हुआ धागा है उस धागे को हम खींच के निकाल लेंगे, ताकि अंदर कुछ भी कचरा ना रह जाए और हमारी मशीन जो है अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो ये फंसा हुआ धागा हमने निकाल दिया, अब अंदर पूरी तरह से मशीन क्लीन हो चुकी है। अब हम गियर को वापस से रीफिक्स कर देंगे जैसा हमने निकाला था। अब हमें ध्यान रखना है कि गियर में ये पोर्शन को हमें सामने की तरफ रखना है और दूसरे पोर्शन को अंदर साइड रखना है हमें। तो इस तरीके से हमने उसको फिक्स किया, जो उभरा हुआ पोर्शन है उसे हमने सामने रखा और लीवर के नीचे प्रेस किया, तो अच्छे से गियर अपनी जगह पे फिक्स हो गया। फिर हमें हिला के थोड़ा सा गियर को देखना है कि गियर अच्छे से फिक्स हुआ है कि नहीं। अगर मूवमेंट है तो गियर फिक्स हो चुका है। फिर हमें ये वाइट लीवर को वापस से स्क्रू से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो हम स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए वापस जैसे पहले था। और इसके बाद हम बॉबिन को अंदर रख देंगे, जो थ्रेड उसमें लगी हुई है उसको हम प्रॉपर तरीके से फिक्स करके बाहर लेके आ जाएंगे। बॉबिन को हमने लगा दिया और उसके कवर को भी हमने पैक कर दिया। अब हम देखेंगे कि टूटी हुई सुई को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो एक ये जो बड़ा स्क्रू दिख रहा है इसको हमने खोल के और जो सुई है धीरे से उसको निकाल लिया टूटी हुई सुई को, और जो नई सुई है वो हम उसी जगह पर सबसे पहले नीचे उसको थोड़ा डालेंगे और उसके बाद फिर हम सुई को ऊपर प्रेस करके अपनी जगह पर सेट करेंगे और फिर स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम टूटी हुई सुई को बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बॉबिन की थ्रेड को बाहर कैसे लेकर आएं। तो हमने बॉबिन को अपनी जगह पे लगा दिया और थ्रेड जो है वाइट कलर की आप देख रहे हैं उसको हमने बाहर निकाल दिया। जो सुई से जो ब्लैक कलर की थ्रेड आ रही है उसको हमने उसके साथ बाहर निकाल दिया। अब हम धीरे धीरे करके अंदर की जो थ्रेड है उसको बाहर लेके आने के लिए मेन डायल को धीरे धीरे एरो के डायरेक्शन में घुमाएंगे, अपनी तरफ घुमाएंगे, जिससे कि जब पूरा एक सर्कल घूमेगा उसके बाद जो वाइट थ्रेड है वो ब्लैक थ्रेड के साथ बाहर आ जाएगी और हमें उस वाइट वाली थ्रेड को बाहर खींच लेना है और फिर दोनों थ्रेड्स को ब्लैक और वाइट को मिला के पीछे की साइड कर देना है और फिर हम अपनी स्टिचिंग को शुरू कर सकते हैं, सिलाई को शुरू कर सकते हैं। कई बारी हमने ये नोटिस किया है कि सिलाई हो तो रही है लेकिन सिलाई प्रॉपर नहीं हो रही है, अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, धागा या तो ऊपर या तो नीचे कभी ढीला हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इधर पे एक टेंशन कंट्रोल नॉब दिया गया है, इस टेंशन कंट्रोल की मदद से आप अगर अच्छी तरीके से सिलाई नहीं आ रही है तो वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर धागा नीचे वाला धागा लूज़ है तो हमें जो नॉब है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, और अगर ऊपर वाला धागा लूज़ है तो हमें नॉब को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में हमको घुमाना है, जिससे कि हमारी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी। ना तो ऊपर का धागा लूज़ होगा ना नीचे का धागा लूज़ होगा और स्टिच जो होगी वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बिना धागे के खाली मशीन को हमें चलाना नहीं है कभी, और जो इसका जो डायल है ये हमेशा राइट डायरेक्शन में जो एरो दिया है उसी डायरेक्शन में हमको घुमाना है, कभी भी उल्टे डायरेक्शन में हमको डायल को नहीं घुमाना है जिससे कि मशीन ख़राब होने का डर होता है। तो डायल को हमेशा जो एरो दिया है उसी डायरेक्शन में हमको इसको घुमाना है, ये ध्यान में रखना है। और जो आखिरी जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि अगर आप बैटरी से मशीन को चला रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज्ड है या नई बैटरी आपने डाली है, और अगर फिर भी नहीं चल रही है या रुक रही है मशीन तो नीचे जो स्प्रिंग दी हुई है बैटरी कंपार्टमेंट में उनको आप थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा टच करके और फिर पुश करके आप उसको देख लीजिए, वो एक बार अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और ढीली होती है कभी कभी तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो वो एक बार अच्छे से स्प्रिंग को फिक्स कर दिया आपने, बैटरी को दोबारा लगाई और फिर यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर हम इन छह बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी मशीन को लंबे समय तक और अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि हमने आज जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है ये मिनी सिलाई मशीन का, पोर्टेबल सिलाई मशीन का, इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपके पास ऐसी मशीन है और या तो आप ऐसी मशीन को बाय करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे, और जो बाकी के लोग जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं यूज़ करने के टाइम पर वो प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होंगे और आप इस मशीन को लंबे समय तक भी यूज़ कर पाएंगे। अभी के लिए इस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में इतना ही, आगे फिर इसी तरह के किसी प्रोडक्ट के साथ हम आएंगे। थैंक यू सो मच।